दोस्तों फिर हम बात करेंगे बाउंस बिट के बीबी कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में कॉइन के टारगेट्स का रहेंगे। 0.52 पर अभी कॉइन ट्रेड कर रहा है। कल से अभी तक इसके प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, जहाँ पर कल से अभी तक इस कॉइन ने 35% से ज़्यादा का मूव लिया और पिछले दो तीन दिनों से इसकी प्राइस में 80% से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली है। अब इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे, कहाँ तक प्राइस जा सकती है, एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज़ पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 0.52 से ऊपर अभी कॉइन ट्रेड कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। 5-5 वाला लेवल इस कॉइन ने नाइट के टाइम में ट्राई किया। डेली का चार्ट ओपन करें तो हाल ही में बिनांस पर इस कॉइन की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के साथ इस कॉइन ने 0.02 वाले लेवल से 60 वाला लेवल हिट किया। 25-26x का मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद से थोड़ा ड्रॉप था, हालांकि BTC में भी और अल्ट्स कॉइन में इस टाइम पर हमने मई के स्टार्टिंग में अप्रैल एंड तक अच्छा खासा ड्रॉप देखा। वहां से इस कॉइन ने मूव करना स्टार्ट किया, एक आध बार 0.3536 तक ट्राई किया, जहां पर 3536 वाला जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था डेली के अंदर। वहां से इसको यहां बार बार रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली कल इस कॉइन ने 36 से ऊपर डेली क्लोज किया, उस लेवल को सपोर्ट बनाया और वहां से फिर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट कल से अभी तक देखने को मिला, जहां पर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कल की जो डेली क्लोजिंग हुई है उसमें देखने को मिली है। 0.5253 के अराउंड इसने डेली क्लोज किया है। बीबी यानी कि बाउंस बिट कॉइन की अगर बात करें तो ये 301 रैंक का कॉइन है। 2.1 बिलियन की इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। सर्कुलेटिंग में अभी 409 मिलियन कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। मार्केट कैप 211 मिलियन USD की देखने को मिल रही है। बाउंस बिट एम्पावर करता है BTC होल्डर्स को यील्ड अर्निंग करने के लिए मल्टीपल सोर्सेज से, यानी कि बाउंस बिट एम्पावर्स BTC होल्डर्स टू अर्न यील्ड अक्रॉस मल्टीपल सोर्सेज। जिस टाइप से हम APY के थ्रू BTC और दूसरे बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो स्टेक करते हैं, इस टाइप से बाउंस बिट जो है सिर्फ BTC के लिए जो BTC होल्डर्स हैं उनको मल्टीपल सोर्सेज से यील्ड अर्न करने के लिए उनको इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और बाउंस बिट जो है वो बिल्ड किया गया है BTC रीस्टेकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ही इसको बिल्ड किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं BTC चेन पर डिपेंड है और अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है। शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अभी ये कॉइन दे रहा है। यहाँ से टेक्निकली अगर हम बात करें डेली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, तो अभी करेंटली इस कॉइन को 0.52 वाला जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि इस कॉइन ने कल की क्लोजिंग में ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज भी ये कॉइन 0.52 से ऊपर क्लोज करे, और जैसे 5.2 से ऊपर आज भी ये कॉइन मेंटेन रहता है 5.3-5.4 के अराउंड में, तो बहुत जल्दी ये कॉइन अपने 6.0 वाले प्रीवियस लेवल को ब्रेक करके नए लेवल्स को ट्राई करेगा। और अभी डेली के अंदर 0.43 जो है वो एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 5.2 को होल्ड नहीं भी करता है तो ये कॉइन 4.3 को होल्ड करेगा। यहाँ से अभी करेंटली टारगेट्स की बात करें, जिन्होंने इस कॉइन में एंट्री ली है 0.343538 या किसी भी लेवल पर, और क्विक प्रॉफिट लेकर वो नॉर्मल ट्रेड करने के बेसिस पर एंट्री ली और क्विक प्रॉफिट लेकर एग्जिट करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट और क्विक टारगेट्स की अगर बात करें 0.53 वाला जो लेवल है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पर एक अच्छे स्टेबिलिटी इस कॉइन ने 5.0 से ऊपर मेंटेन की है, वापस से बाउंस बैक करके 5.3 से लेकर 5.5 और 5.8 तक ट्राई करेगा। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 0.53 और सेकेंड टारगेट रहेगा 0.58, जहाँ पर आपको 60-40 के रेशो में जो टोकन्स आपने बाय किए हुए हैं उसका 60% 0.53 पर और 0.58 पर बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कम से कम 4-6 वीक का एटलीस्ट, वो 0.65 से लेके 7.0 तक का टारगेट रखें, क्योंकि यहाँ से जैसे ही ये कॉइन 6.0 वाले लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी फिर 6.5 से लेके 7.0 को हिट करेगा। इसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 4-6 वीक वेट कर सकते तभी आपको वो टारगेट रखना है।
और उससे भी ज़्यादा टाइम अगर आप होल्ड करते हैं, तो जब भी आप जितने भी टाइम इस कॉइन को होल्ड करें, हमारी तरफ से अपडेटेड लेवल शेयर किए जाते हैं, आपको ज़रूर वॉच करना है लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं 5 to 6 month 1 year, क्योंकि बीच बीच में हम कॉइन्स के अपडेटेड लेवल्स और जहाँ एक अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है वहाँ पर एंट्री भी सजेस्ट करते हैं, तो आपको रेगुलर वॉच करते रहना है। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे। वीडियो सब एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।